रोमलों ने आखिर हमारा खुदा कब तक ये जुल्म देखता रहेगा? हमारा खुदा शायद बूढ़ा हो गया। हाँ बाबा, मुझे भी कभी कभी शक होता है। शक होता है? इलिया! इलिया! बड़ी मुश्किल से साथ है, मुझे मालूम दौड़ आया। क्यों बेटा, मैनुअल सच कहता है? हाँ बाबा। बुरी बात है, अब तुम बड़े हो गए हो, बड़े बच्चे रास्ते में नहीं खेलते। अब भी नहीं खेलते थे? कभी नहीं, जब मैं तुम्हारे जितना था कभी रास्ते में नहीं खेलता था। अच्छा बाबा, फिर मैं भी नहीं खेलूंगा। शाबाश, कितना अच्छा है मेरा बेटा, है ना मैनुअल? हाँ आता। बाबा, मैनुअल से बात ना कीजिए। क्यों? कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा बेटा, कभी नहीं करूंगा। देखो, मैं एक मिस्री सौदागर से मुलाकात करने जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा बेटे। बाबा, मेरे लिए खिलौना लाना, लाएंगे ना? जरूर लाऊंगा बेटे, जरूर लाऊंगा। या खुदा, ये बदशगुनी क्यों? होशियार, होशियार, मुख्तार आलम, आला हजरत, ब्रुटस तशरीफ ला रहे हैं। हटो, हटो। ये रहा एक मनहूस, भाग यहां से। अरे ये तो पागल है। पागल कौन है, खुदा बेहतर जानता है। आला हजरत जख्मी हो गए? किसने पत्थर मारा? कहां से पत्थर आया? चारों तरफ से घेर लो, फौरन चली। दरवाजा खोलो और ना मिलता
मुजरिम हाजिर है आला हजरत। तो ये था वो सपोला जिसने दाढ़ उगने से पहले ही काटना शुरू कर दिया। ये बच्चा देखना है, बेखता है। हम जानते हैं खता किसकी है। रहम माफ कर, रहम पत्थर मैंने फेंका था, सजा मुझे दीजिए, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालिए, लेकिन इस मासूम बच्चे पर तरस खाई। जुर्म किसी का और सजा किसी को, ये रोमन इंसाफ के खिलाफ है। ले जाओ इसे शेरों के पिंजरे में डाल दो। क्या हुआ भाइयों, क्या हुआ, तुम सब परेशान क्यों हो? मैनुअल तुम रो क्यों रहे हो? बोलो, बताओ, खुदा के वास्ते बताओ, मेरे इलिया को तो कुछ नहीं हुआ? आका इलिया को बचाइए। क्या हुआ मेरे इलिया को? जालिम ब्रुटस ने इलिया को शेरों के पिंजरे में डालने का हुक्म दे दिया, आका उसे बचाइए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इलिया, इलिया। ओहो, आ जाओ बाबा की जान। बाबा तुम इतनी देर से कहाँ थे? जाना तुमसे खफा हो गई। खफा? नहीं नहीं बेटा, तू तो मेरी आंखों का नूर है, दिल का चैन है। अगर तू खफा हो गई तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? तो मेरी लाडली मुझसे खफा है, ले मुझे मार मार। ऐसे 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 रहम 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 आला हजरत रहम। हाँ गुस्सा, डरो नहीं बेटा, इस जानवर के दांत हमने तोड़ दिए, अब ये काट नहीं सकता। रहम मेरे मुकद्दस आका रहम, एक नापाक यहूदी का खून अपने सर पर न लो, तुम्हारा पाक सिर नापाक हो जाएगा। यहूदी रोमन कानून फौलाद की तरह सख्त और वक्त कितना अटल है, चलो यहां से। खूंखार दरिंदे, ये न भूल के रोमन कानून से बड़ा एक और भी कानून है, और वो है खुदा का कानून। कहीं ऐसा न हो कि कुदरत के पोशीदा हाथ इस खौफनाक जुल्म का बदला तेरी औलाद से। नापाक यहूदी, ले जाओ इसे। नहीं नहीं नहीं, रहम कर मेरे आका, रहम करो। खुदा तुम्हारी बच्ची को कयामत तक सलामत रखे, खुदा तुम्हें औलाद का गम कभी न दे, तुम्हारी आंखों की रोशनी कभी न छीने। मेरे मासूम आका, अपने गुलाम के मासूम बच्चे की खता माफ करवा दो। इन छोटे छोटे पांव का सदका, इन नाजुक नाजुक हाथों से एक बेगुनाह परिंदा रिहा कर दो, वो जिंदगी भर तुम्हें दुआएं देगा। उसे माफ करवा दो मेरे फरिश्ते, उसे माफ करवा दो। बाबा, ये रो क्यों रहा है, इसे माफ कर दो। नहीं नहीं लीडिया, ये यहूदी है। तो क्या हुआ, माफ कर दो, नहीं तो मैं तुमसे खफा हो जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा न करना मेरी बेटी। जा, चालाक यहूदी, तुमने माफ किया। जिंदाबाद नेकी के फरिश्ते, जिंदाबाद। इलिया, इलिया तुम रहा कर दिए गए। इलिया, इलिया,
छोड़ दो मेरे बच्चे को, उसकी खता माफ हो गई। खता माफ हो गई? हाँ, रहमदिल ब्रूटस ने अपना दिया हुआ हुक्म वापस ले लिया। मगर सबूत? सबूत 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 इसे पूछो। बेवकूफ यहूदी, रोमन कानून कभी नहीं बदलता। नहीं नहीं आका, ये सब मेरे भूल से, मासूम इलिया का खून मुझ नमक हराम की गर्दन पर है। मुझे कत्ल कर दीजिए, मुझे कत्ल कर दीजिए आका, कत्ल कर दीजिए, मुझे कत्ल कर दीजिए। आप सुनते क्यों नहीं आका, आप सुनते क्यों नहीं, आप क्यों नहीं सुनते? इंतकाम, जालिम से इंतकाम। महल का कोना कोना छान डाला, लेकिन कहीं पता नहीं चला। खामोश, पता नहीं चला, पता नहीं चला। तलाश कर।
करो, कमीनों से तलाश करो, कुत्तों मेरा दिल गवाही देता है ये किसी यहूदी बदमाश का काम है। इन कमीनों के घर घर की तलाशी लो, जलाकर खाक कर दो इनके घरों को, कुछ भी करो मेरी लीजिया को ढूंढ कर ले आओ, जाओ फौरन इसी वक्त। आका ले आया, दुश्मन का कलेजा नोच कर ले आया। लीजिए ये खंजर और मूली प्रुटस की इस यादगार के टुकड़े टुकड़े कर डालिए। उठिए, खुदा के लिए उठिए। ओह, रब ने इनको पत्थर का बना दिया है। मालूम होता है मासूम इलिया की खौफनाक मौत का इंतकाम मुझे ही लेना होगा। दाता। कौन कौन? इलिया, इलिया मेरा बच्चा। ये इलिया नहीं है आका, इलिया की मौत का बदला है, जालिम ब्रूटस के घर का चराग है। ये लीजिए छुरी और इसके सीने में भोंक कर इंतकाम की भड़कती हुई आग को ठंडा करना ही। नहीं नहीं मैनुअल, इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? खून का बदला खून है आका। ये लीजिए। नहीं नहीं मैनुअल नहीं, आप बहक रहे हैं, अगर आपके हाथ कांप रहे हैं तो मैं इसे खत्म कर देता हूँ, मैं इसे खत्म कर देता हूँ। इलिया देख, मैं तेरी खोए मुल्ला किस तरह जोड़ी से जालिम छोड़ दे। देख देख, ये भी मुझे इलिया की तरह बाबा कहकर पुकार रही है। डरो नहीं मेरी लाडली, आज से तुम ही मेरे इलिया की जगह पर। मैनुअल, मुझे मेरा इलिया मिल गया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अब मैं इससे जुदा नहीं हो सकता, अब मैं इससे जुदा नहीं हो सकता। लेकिन दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कोई नहीं है, आप पिछले दरवाजे से निकल जाइए। दरवाजा खोलो। लेकिन आता मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, वरना वो आपका पीछा करेंगे। आका जाइए, खुदा के लिए जाइए, जाइए। खोलो, खोलो दरवाजा। शहंशाह रोम का हुक्म है, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। ये क्या शोर मचा रखा है? देखते नहीं रात है? खामोश। मकान का मालिक इस जगह है? वो सुबह ही शहर छोड़कर चले गए। हमें इस मकान की तलाशी लेनी है। बच्ची कहाँ है? बच्ची? हाँ, जिसे कि तू आला हजरत ब्रूटस के महल से उठा कर लाया है। मैं? हाँ तू, इस मॉसिस रोमन ने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ, यही था, जुपिटर की कसम यही था। लेकिन इस मॉसिस रोमन ने ये नहीं देखा कि मैंने उस नन्ही सी बच्ची की इतनी इतनी बोटियां करके रोमन कुत्तों के लिए शहर की गलियों में फेंक दिया। जाओ उसे वहां ढूंढो। आका, गुलाम ने नाहक अदा कर दिया। खुदा हाफिज। ये दुनिया हाय हमारी, ये दुनिया शैतानों की बस्ती है, यहाँ जिंदगी सस्ती है। ये दुनिया, ये दुनिया हाय हमारी, ये दुनिया शैतानों की बस्ती है, यहाँ जिंदगी सस्ती है। ये दुनिया, ये दुनिया।
तो सिजदा कर दीवारों का, अरे करना हो तो सिजदा कर दीवारों का। ये दुनिया हाय हमारी, ये दुनिया हर जालिम एक हस्ती है, मजहब जुल्म परस्ती है। ये दुनिया आजकल यहाँ रहते हो? हाँ। मकान तो अच्छा मिल गया है। हाँ अब्राहम, 15 बरस रोमनों की बदौलत दर्दर की ठोकरें खाने के बाद मिल गया है। देखो कब तक रहता है खुदा जाने। खुदा जाने ना कहो इजरा, कहो रोमन जाने। कुछ दिनों से हमारे खुदा ने हम यहूदियों की मौत और जिंदगी जालिम रोमनों के हाथ में दे दी है और ब्रोटस को जहन्नम का सरदार बना दिया है। अन्ना, बेटी अन्ना। चुट्टी कहीं की? चुट्टी हूँ। अच्छा बाबा, तो मैंने बाहर फेंकी देती। अरे अरे ऐसा न करना, 10,000 के हैं, 10,000 के फेंक दो। नहीं नहीं बेटा, ऐसा गजब न कर डालना। रुद, रोक ले इसे, कहीं फेंकी न दे। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। ये लो, रखो अपने 10,000 के जवाहरात। खफा हो गई मेरी गुड़िया? नहीं बेटा,
अगर जिल मिलाते हुए चिराग से रोशनी खफा हो जाएगी तो फिर क्या होगा? चिराग बुझ जाएगा। बेटा, ये बेहतरीन जवाहरात तेरी जूतियों के भी काबिल नहीं है। लेकिन आपको तो इन्हीं से मोहब्बत है। नहीं बेटा, इस बदनसीब यहूदी की जिंदगी तुझसे रोशन है, इन हीरो से नहीं। जब ही आप इनके पीछे दीवाने हो रहे हैं। तेरे लिए बेटा, इसलिए कि अपनी प्यारी बेटी के लिए दुनिया का हर आराम खरीद सकूं। और अगर तू ये समझती है कि मुझे इन पत्थर के टुकड़ों से प्यार है तो ले, इन सबको फेंक दे, चूल्हे में डाल ले, बस। बाबा। बेटा, शायद तो शाही फरमान है। बदरिये फरमान शाही, शहर के हर खास आम को इत्तला दी जाती है कि आज सल्तनत रोम के जलीलुल कद्र शहंशाह की भतीजी शहजादी ऑक्टेविया की 20वीं सालगिरह के मौके पर शाही महल के सामने एक अजीमुशान जश्न मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें पहलवानों की कुश्तियां, जादूगरों के करिश्मे और खास तौर से रथों की दौड़ देखने के काबिल है। दावत आम, हर शहरी इस जश्न में शरीक हो सकता है। और साथ में हुक्म शाही है कि शहर रोम के बसने वाले आज से 3 रोज तक अपना कारोबार बंद रखें और शहजादी की दराज उम्र की दुआएं मांगें। बहुक्म खास आला हजरत मुक्तदाए आजम कायम मुकाम चैनचाए रोम बादम मौजूदगी चैनचा। बरकरी के डंडे की कसम, रथों की दौड़ में तो बस मजा ही आ जाएगा। 3 रोज तक दुकानें बंद करो, ब्रू टेस्ट कर हुकूमे ठीक है बिजनेस खेल। शहजादी अक्टेविया, कसम देवताओं की, जब से जवान हुई है चांद में रोशनी कम। बेटा, वो ठहरी शहजादा मार्कस की मंगेतर, तेरी या मेरी होती तो कोई बात नहीं थी। देवताओं से गलती हो गई। शहजादी, बाग बाहर के लिए बेताब नजर आ रहा है। शहजादा मार्कस को देते हैं, आज भी वो अपनी अदाओं से बाज नहीं है। वो क्यों बाज आए? देवताओं ने उन्हें भी तो हसीन बनाया है। क्यों यास्मीन, कहीं तो उन्हें हमारी नजर तक नहीं देखती? ना 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 ना, मेरी ही मजाल करो शहजादी, बस यही दुआ है शहंशाह जल्द वापस आ जाए और आप दोनों की शादी के सामान शुरू हो। بروتس، ايش قد تسوي؟ شہزادہ مارکس نظر نہیں آتا۔ مجھے خود ان کا انتظار ہے اعلی حضرت۔ میرے خیال میں اب زیادہ انتظار کرنا بیکار ہے۔ جیسے اعلی حضرت ٹھیک سمجھے۔ Thank you.
बेचैन क्यों होती है शहजादी? कासिद खबर लाया है, वो आ रहे हैं, रास्ते ही में होंगे। जन्नत में मुंह बंद रखिए, आगे ही कीचड़ लग रहा है उस पे। सरकार ये लीजिए, पानी ले आई हूं। सुनो, वो रोमन सिपाही आ गए, चलिए। लेकिन इनका क्या होगा, और थोड़ी देर में तो ये गले भी पड़ जाएंगे। चलिए उठिए ना, चलिए चलिए। खैरियत है ना, मैं तुमसे पहले ही कहता था कि ये घोड़े शिकार के लायक नहीं है। चलो आ? उधर कहाँ देख रहे हो? ओ, मेरा ख्याल है, चलो। आइए आइए हकीम साहब, तशरीफ लाइए, आइए। मरीज की हालत बहुत नाजुक है हकीम साहब, जख्म कहीं और आया है और बताता कहीं और है। बहुत शरीर एंटोनियो, बहुत शरीर। जख्म बहुत मामूली है, दवा दिए जाता हूं, एक दिन में निशान तक मिट जाएगा। ये लीजिए। अच्छा, अब इजाजत चाहता हूँ। एक दवा हंसने की भी तो देते जाइए हकीम साहब, ये हंसना भूल गए हैं। हंसने की दवा तो तुम्हारे पास है एंटोनियो, मेरे पास नहीं। एक बात का ध्यान रखना शहजादे, ये दवा इस्तेमाल करने के बाद हाथ अच्छी तरह से साफ कर लेना। ये दवा आंखों में हरगिज नहीं लगनी चाहिए, वरना फौरन रोशनी जाती रहेगी। अच्छा, खुदा हाफिज। एंटोनियो जी, जी हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। कैसे हो मार्कस? जख्म तो अच्छा है। तो फिर जश्न में क्यों नहीं है? तबीयत अच्छी नहीं। चलो मार्कस, तुम्हारे बगैर हर रंग बेरंग, नगमे मध्यम सुनाई देते हैं, रस धुंधले नजर आते हैं। आओ महफिल में चलकर मेरे पहलू में बैठो। नहीं होती, मैं आज तुमसे माफी चाहूंगा। मार्कस, क्या तुम चाहते हो कि आज सालगिरह के दिन भी मेरी आंखों वीरान रहे, मेरी आंखें तुम्हें ढूंढे? मेरा जी घबरा रहा है ऑक्टेविया, मैं तुम्हारी चाहता हूं। बस बस हंसी बंद। वादा याद है ना कि मैं जिसको पकड़ लूंगा वो मेरी हो जाएगी? और अगर मैं सबको एक साथ पकड़ लूं तो सब तुम्हारी हो जाएंगी।
तो बहुत बड़ा एहसान करेंगी। अच्छी बात है। अरे इतना खूबसूरत आदमी को चिराग लेके ढूंढोगी तब भी नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है कि चुपचाप चली जाओ। क्यों दौड़ाती हो तुम लड़की हो? अरे भागो मत, भागो मत। अरे मिस्र सूरज के भरी है मेरे अंदर रोशनी, तौल कर बख्शूंगा सबको मैं बराबर रोशनी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे कहाँ गायब हो गई लड़की? ओहो कहाँ चली गई? अरे पकड़िया पकड़िया मेरी प्यारी, पकड़िया। बाप रे अंजनी, जी तुम यहाँ जश्न मना रहे हो मगर तुम्हें शहजादे का भी कुछ ख्याल है? शहजादे का ख्याल तो आजकल आप मजाक बंद करो। शहजादा बहुत परेशान है, जाओ उसे बहलाने की कोशिश करो। जैसा हुक्म हो, जाओ उसे बहलाने की कोशिश करो। मेरी जन्नत की परियो, मेरे साथ चलो, आओ इधर आ जाओ। बीमारे मोहब्बत का क्या हाल है? ओ मालूम होता है बीमार चल बसा और सिर्फ मोहब्बत खड़ी रह गई है। एंटोनियो मुझसे गलती हो गई, दोनों मौजूद है, बीमार भी और मोहब्बत भी। एंटोनियो मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, इस वक्त जाओ और मुझे तन्हाई छोड़ दो। तन्हाई? जवान आदमी का तन्हाई चाहना बीमारी है मेरे दोस्त, इसीलिए तो उसका जिगरी दोस्त एंटोनियो दुनिया की मशहूर मोहब्बत की दवा चलती फिरती परियां लेकर आया है। एंटोनियो तुमसे कह दिया। चलो भी आओ बैठ जाओ। एंटोनियो इसे कह दो कि फौरन चली जाए यहां से। एंटोनियो! अरे मगर मुझे यतीम करके कहां जा रही हो? सबके सब मुझे तो साथ ले चलो। जान से मार डालूंगा। आखा आखा यहूदी के लिबास में। हाँ लियो, ये एक राज है आखा, और ये राज हर कीमत पर एक राज रहेगा। रहेगा आखा। लियो आखा, मेरा हुक्म और अपना फर्ज हमेशा याद रहे। जो हुक्म आखा। सुनिए 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 जनाब आला, क्या कहता है मजने वाला।
अरबस्तान के रेगिस्तान से आया हूँ, न ऊंट लाया हूँ न खजूर, खाली हाथ आया हूँ हुजूर। लेकिन ये हाथ खाली नहीं, इनमें करिश्मात के खजाने हैं। आवाज लगाइए, क्या तोहफा पेश करूं? माशूक माशूक जरा मुझे तो निकलने दीजिए बरखुरदार। घबराओ मत बरखुरदार, तुम्हारे लिए दो जवान परियां इस टोकरी में बंद की हुई हैं। अम्मा जाओ, परियां और इतनी सी टोकरी में नहीं आती ना तो अच्छा। ये देखो। अरे बाजीगर भाई, क्यों बेवकूफ बनाते हो? ये माशूक है या पुत? हर माशूक बुत हुआ करता है। ये देखिए, अरे आसमान की परियो, जमीन पर उठकर खड़ी हो जाओ। या शेकल बंदूक बना दे इन बुतों को माशूक। Thank you.
इतनी देर बाद अभी अभी तो गई थी, देख तो झूठ ना बोला कर, ये क्यों नहीं कहती कि खेल तमाशे देख रही थी। अच्छा जाके तू फल ले, मैं फूल खरीद रही हूँ। अच्छा क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस यहूदी छोकरी को और कितनी देर तक घूरोगे? अरे यार मैं घूर नहीं रहा हूँ, मैं इस यहूदी चांद के टुकड़े को आंखों के जरिए पी रहा हूँ। मगर कब तक? जब तक ये मेरे पहलू में आकर मेरे साथ चलने को तैयार न हो जाएगी। अगर उसने शोर मचा दिया तो मेरे बाजुओं में ताकत है और वो नाजुक है। महज ये फूल ही क्या मुस्तहिक है मेहरबानी का, इधर भी एक उचकती सी नजर सबका जवानी का। क्या मतलब? जब एक रोमन जवान एक यहूदी हसीना पर फूल फेंके तो सिर्फ उसका एक ही मतलब होता है। मैं ऐसे मतलब पे लानत भेजती हूँ। ना 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 ना, मोहब्बत पर लानत भेजना जुल्म है मेरी जान, और रोमन कानून जुल्म के सख्त खिलाफ है। खुदा, ये जुल्म कब तक? ये जुल्म कब तक? बेटी आ गई? हन्ना। बाबा, पहले इन्हें गले लगाओ, अगर ये ना होते तो ना जाने आज तुम्हारी हन्ना का क्या हाल होता। बेटा, मैं किस जबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? आज तुमने मुझ बूढ़े को जिंदगी दे दी। मैं ये एहसान, आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो कोई एहसान नहीं किया। एक यहूदी की मदद करना एक यहूदी का फर्ज है। आओ बेटा अंदर आओ। आज तुमने यहूदियों का सर ऊंचा कर दिया। बेटी हन्ना, अपने मेहमान के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। क्यों जहमत करते हैं आप? बैठो बैठो बेटा बैठो, बूढ़े मेजबान का दिल नहीं तोड़ा करते। ये लो, मैं तो अपने मोहसिन का नाम पूछना ही भूल गया। जी मेरा नाम मनशिया है। मनशिया? मनशिया? जी हाँ मनशिया। बहुत अच्छा नाम है, लेकिन बेटा मैंने तुम्हें कभी इबादतगाह में नहीं देखा और न कभी तुम इस मोहल्ले में नजर आए
वो दरअसल मैं ये सकंदरिया का रहने वाला हूँ ना। किसी काम की वजह से आए हो गए? क्या काम के लिए आए थे? क्या काम करते हो बेटा? मैं वो ये काम ये हीरे मोतियों की तिजारत करता हूँ। खूब खूब बेटी हन्ना, हमारे मेहमान भी वही काम करते हैं जो मैं करता हूँ। ये तो मेरी खुशनसीबी है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपने तजुर्बे से फायदा उठाने का मौका देंगे, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे अपना शागिर्द ही बना लें। शागिर्द? जी हाँ। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मैं तो तुम्हें अपना बेटा बनाऊंगा। बेटा मनुष्या, आज से बूढ़े इजरा का घर अपना ही घर समझो, और जब तबीयत चाहे। बाबा, इन्हें कुछ खाने भी दीजिए। हाँ हाँ बेटा, खाओ खाओ। कहीं जाना है सरकार को? नहीं तो? तो फिर कोई आने वाला है? रुथ, रुथ, तो कह दूं सरकार घर में नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्या करूं, आका तो घर में है नहीं। तो क्या हुआ सरकार? जवान आदमी से अकेले मैं तो आपको मिलने नहीं दूं। तो दूर से खड़ी देखती रहना। झुकी जल्दी जरूर, कहीं वो चले ना जाए। अरे वो तो शाम तक नहीं जाएंगे। आका तो घर में नहीं है। क्या? आका घर में नहीं है। अच्छा, और वो वो है क्यों? उनसे कुछ काम है? काम तो आपसे है। मुझसे? जी हाँ। कहिए क्या काम है? जरा उनसे मिलवा दीजिए। उनसे मिलवा दीजिए। आइए। खूबसूरत लड़की के यहाँ काम करना भी मुसीबत है। क्यों क्यों? अभी तो कोई कीमत नहीं। इधर जब तक आप इससे बातें कीजिए, मैं सरकार को अभी बुलाती हूँ। अच्छा। हाँ। आपने कुछ पूछा मुझसे? अरे ज्यादा गर्दन मत हिलाओ, टेढ़ी हो जाएगी। इसमें बिगड़ने की क्या बात है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि गर्दन मत हिलाओ, ज्यादा टेढ़ी हो जाएगी। वाली, ये आपके पाली का गुस्सा तो इसकी नाक पर रखा हुआ है, बिना वजह मुझसे नाराज हो गया। ये सब रूथ ने इसे बिगाड़ रखा है। पाली, ये हमारे मेहमान हैं। ये किससे कह रहा है, मुझसे या आपसे? ये तो यूं ही बका करता है। दोस्ती कर लो। दोस्ती कर लो। किससे? आपके इस समझदार तोते से। बहुत जी चाहता है? चाहता तो है। तो कर लीजिए। पाली, हम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। पाली कमबख्त, जाने दीजिए, दिल पर किसी का जोर तो नहीं होता। ओहो, खून निकल आया। यहाँ आइए। खून निकल आया। ये महक आपके बालों की है ना?
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये सब रूथ की बच्ची ने इसे खराब कर रखा है। मेरा ख्याल है आपका बाली मुझसे प्यार कर रहा था। प्यार ऐसे किया जाता है? तो फिर कैसे किया जाता जी? बुरी बात है घर आए हुए मेहमान से इस तरह मुंह नहीं मोड़ लिया करते। नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। मैं भी कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि जो इस वक्त दिल में है अगर मिल जाए तो कितना अच्छा हो। क्या है दिल में? एक छोटी सी गुड़िया चांद जैसी, घने बाल, गुलाब की सी महक। तो उसे खरीद लीजिए। सोने चांदी से नहीं मिल सकती वो। क्यों? दिल मांगती। तो दे दीजिए। दे तो दिया। फिर? पता नहीं उसे पसंद भी आया कि नहीं। तो पूछ लीजिए ना। पूछ ही तो रहा हूँ। ये क्या? नाराज ना हो, मैं जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? कल के लिए भी तो कुछ गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए ना। हाँ, कल जरूर आइएगा, बाबा को बड़ी खुशी होगी। और आपको? मेरे पाली से हाथ तो मिलाते जाइए। बिल्कुल नहीं। क्यों? पहले आप उसे प्यार करना सिखाइए। सुनिए, क्या? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जंगली प्यार करना भी नहीं जानता। सरकार, तो आप ही सिखा दीजिए ना। अरे जान, अरे जान, मेरी जान, मेरी जान, प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें। मेरी जान, मेरी जान, प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें, हम क्या करें। Thank you.
आका शहजादी। कौन सी शहजादी? हो आजकल दो शहजादियां हैं ना, एक आपकी और एक रोमनो की। कौन सी शहजादी लियो? रोमनो की शहजादी ऑक्टेविया आ रही है इस वक्त। जी सरकार। तुम गधे हो लियो। हरगिज नहीं आका, जाओ उनसे जाके कह दो कि मैं महल में नहीं हूं, बाग में नहीं हूं, कहीं भी नहीं हूं। तो फिर आप हैं कहां? जहन्नुम में। शहजादा कहां है लियो? आपका मतलब मेरे आका से? हाँ वो बाहर तशरीफ ले गए। कहां गए? जहन्नुम में। क्या बकते हो? जी मेरा मतलब है गुलाम को बिल्कुल खबर नहीं। क्यों आज तुम उनके पीछे पीछे नहीं गए वफादार कुत्ते की तरह? अल्लाह हजरत आज उन्होंने फरमाया कि वो शिकार पर नहीं जाएंगे, इसलिए कुत्ते की जरूरत नहीं। और तुमने उनसे नहीं कहा कि शाम को हमारे साथ सैर को जाना है? हमने कहलाया नहीं था? गुलाम ने दस बस्ता अर्ज कर दिया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्त खुफिया काम के लिए बाहर जाना था। खुफिया काम? कौन सा ऐसा काम है जो हमें नहीं मालूम होना चाहिए? जानी। कौन शहजादी? जिसे दिल दिया है वो, और कौन? यास्मीन, क्या मैं हसीन नहीं हूं? आईना झूठ बोलता है। आईने की क्या मजाल शहजादी? फिर वो मेरी परवाह क्यों नहीं करता? मेरे इशारे काम क्यों नहीं करते? मेरी तेजा ठुकाई क्यों जाती? मगर मैंने उनसे कहा था कि शाम को सैर करने चलेंगे, मगर वो कहीं चला गया और मुझे दीवारों से सर टकराने के लिए छोड़ गया। जरूर कोई मजबूरी होगी शहजादी, जिसका छिपाना छिपाना। और मुझसे यास्मीन, मोहब्बत करने वालों में राजदारियां नहीं होती। देख पाली, तू सुन ले कान खोलकर, कल तूने उनके साथ बहुत बदतमीजी की थी, आज अगर वो नहीं आए तो तेरी खैर नहीं। चुप रहा। तू चुप रह। कौन? कौन है? तेरा सर। ये क्या बातें हो रही हैं पाली से? आप किसी के इंतजार में वक्त काट रही थी। ओहो, फिर तो मैं गलत वक्त से आ गया। अच्छा चलता हूँ। नहीं नहीं, क्यों न जाओ? आपका हाथ कैसा है? जख्म तो अच्छा हो गया, मगर निशान अभी बाकी। प्यार के निशान वैसे भी तो आसानी से नहीं जाते ना। पट्टी क्यों नहीं खोली अब तक? आपके लिए नहीं खोली। दर्द तो नहीं होगा? हाँ हाथ में चोट तो कहीं और ही लगी है ना। तो दर्द वहां है? कब तक रहेगा? हमेशा। आप खुश हैं? क्यों ना, जिंदगी के लिए सहारा मिल गया है। ये क्या है? आपका वो हार जो उस दिन बाजार में खो गया था। लेकिन ये तो मेरा नहीं है। सब कुछ ही तो आपका है, ये सवेरा, ये रोशनी, वो पहाड़, उनकी दूर तक फैली हुई वादियां, मैं, मेरा सब कुछ। तुम मुझे लूटना चाहते हो? तुम कुछ नहीं चाहती है ना, सच बताओ। मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया। ये हार तुम्हारे गले में कितना खूबसूरत मालूम हो रहा है। जैसे कैदी के गले में संजीर। सुनो,
वतन कब जा रहे हो? जब मौत आएगी तो मनशिया। आपने मुझे याद किया शहजादी साहिबा, आप कुछ परेशान नजर आती हैं। हाँ अंतोनिया, हम बेहद परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आता। जिस दिन से रत का हादसा हुआ है, शहजादे का रंग कुछ पतला बदला सा नजर आता है। रत का हादसा? हाँ अंतोनिया, क्या तुम पता करके बता सकते हो आखिर वो किस धुन में खोए रहते हैं? आप फिक्र न करें शहजादी साहबा, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है एंटोनी। शुक्रिया। हाँ याद आ गया, जिस दिन यार ने गद्दा खाया था उस दिन दो पटाखे भी कहीं से टपक पड़े थे। क्यों ना घूरूं? तू हसीन है और मैं अंधा नहीं। मैं हसीन हूँ? बेशक, मेरे कीचड़ के हीरे तू हसीन है। किसी दिन गुलाब के पानी से अपने कीचड़ को धोकर अपने आप को आईने में देख, तेरी चमक से आईना भी टूट जाएगा। अरे तू परी है, परी, परस्तान की परी। मैं परी हूँ मगर मेरे पर तो नहीं। पर किसी माशूक के नहीं होते, पर तो हम आशिक लगा दिया करते हैं। अगस्ते, देखो मेरा एक आशिक आया है। अरे रे रे, भीड़ क्यों जमा करती हो? अरे इसकी महक तो अकेले में ही लगती है, अकेले में। बड़े भाई से फरमाइए आपको क्या चाहिए। सेब, अनार, अंगूर, जरदालू, शफ्तालू, जो कहिए सो बांधू। पैसे की फिक्र न कीजिए, पैसे फिर आ जाएंगे। मालूम होता है नई दुकान खुली। जी नहीं, मगर हम तो ग्राहक देखकर बात करते हैं। आप कौन है जी? जी मैंने कहा चाचा किसी छोटे फल से मारा होता। मेरे चाचा है दरअसल, और जरा पागल है। पागल? तुम्हारा सर है जी पागल? मैं पागल हूँ? जी नहीं, आप क्यों पागल होने लगे? मगर आप क्यों नहीं समझते कि आप मेरे चाचा हैं? वाकई वाकई, मैं इनका बाप हूँ जी, मेरा चाचा। ओ हाँ, चाचा चाचा। और इस कदर ताजे हैं, अभी अभी तो दरख्त से तोड़ कर लाए हैं। और ये भी मेरी तरफ से, ये भी लेते जाइए, ये भी ताजे। और ये दाम क्या होंगे? दाम? अरे साहब जहन्नम में जाने दीजिए दाम को। दाम की हमें क्या फिक्र है? कोई फिक्र नहीं, घर बैठे आ जाएंगे। दाम आप पर से कुर्बान है। बहुत वजन हो गया है, आपके नाजुक हाथों में दर्द हो जाएगा। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ रहा हूँ। आप रोमन होकर भी कितने शरीफ हैं। ऐसे आपसे किसने कह दिया? जी जी हाँ, वाकई में कितना शरीफ हूँ। तो क्या आप सबको इस तरह घर पहुंचाने जाते हैं? घर तक पहुंचाना तो हमारा खानदानी पेशा है। तशरीफ लाइए। आप
غالباً اب تو آپ تھک گئے ہوں گے. جی نہیں حضور, ہم تو ایسے دکاندار ہیں کہ سامان کے ساتھ گاہک کو بھی کندھے پر بیٹھا کر گھر پہنچا دیتے ہیں. اچھا جی ہاں, لائیے میرا مکان آ گیا. یہ آپ کا مکان ہے؟ ہاں. اوہ یہ تو بہت خوبصورت مکان ہے, لیکن آپ سودا لینے کیوں جاتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی خادمہ رکھ لیجیے. تو میں کون ہوں؟ آپ خادمہ ہیں. تو یہ مکان میرے آقا عزرا جوہری کا ہے. ہاں عزرا جوہری کا نام تو سنا ہوا ہے, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ان کے ساتھ اکیلی؟ جی نہیں, ان کی ایک لڑکی بھی ہے, ہننا ہے اس کا نام. ہم سب ملا کر تین ہیں. ہم سب ملا کر تین ہیں, جھوٹ بات, چوتھا ضرور کوئی آتا ہوگا. بکو مت, یہاں چوتھا کوئی نہیں آتا. اگر نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب تو جاتے ہو یا دو چار کو بلاؤں؟ ضرور بلائیے, مگر ذرا خیال رکھیے گا ذرا خوبصورت ہوں. ذرا پھڑکتی ہوئی. یعقوب عزا کی مردوں کے نام. جاتے پہلو میں آیا کوئی, آتے جاتے پہلو میں آیا کوئی, میرے دل بدلا نہ چھپا آج سے میں تجھے دل کہوں یا دل ڈبا. آتے جاتے پہلو میں آیا کوئی, میرے دل بدلا نہ چھپا آج سے میں تجھے دل کہوں یا دل ڈبا. آتے جاتے پہلو میں
खुश आमदेद शहंशाह, खुश आमदेद। उम्र दराज, खुदावंद जुपिटर की बरकतें। कैसी रही आप दीविया? ठीक हूँ आला हजरत। शहजादा कहाँ है? हमसे मिलने नहीं आया। मुझे खुद खबर नहीं आला हजरत, शायद शिकार पर गए होंगे। और क्या करेंगे, सर पर जिम्मेदारियों का बार नहीं। जवानी की उमंगे तूफानी हवाओं की तरह उड़ाए फिरती हैं। हमने भी ऐसे दिन गुजारे हैं ऑक्टेविया, मगर बेटा अब हम तुम्हारी शादी में देर नहीं करेंगे। शर्म और इनकार में फर्क होता है ऑक्टेविया, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? खुश हूँ आला हजरत, बहुत खुश। ये हीरा देखो मंशिया जी, कितना नायाब है। वाकई बड़ा नायाब होते हैं, बेदाग और बेर। लेकिन ऐसी चीजें हासिल करने के लिए बाबा किस्मत बनानी चाहिए। और वो किस कारखाने में बनती है ना? मेहनत और कुर्बानी के कारखाने में। देखा क्या जवाब दिया है, मेरी बेटी से कोई नहीं जीत सकता। इस वक्त कौन हो सकता है? रुक रुक, देखो तो दरवाजे पे कौन है। ये मकान क्या इज़ाज़ ज़ोहरी का है? जी हाँ, तशरीफ लाइए। आइए। शहजादी ऑक्टेविया। जहे नसीब, हुजूर की तशरीफ आवरी का शुक्रिया। फरमाइए, ये अदना गुलाम आपकी क्या खिदमत कर सकता है? क्या तुम ही अजरा जौहरी हो? जी आला हजरत, तशरीफ रखिए। मैं हुजूर की खिदमत में चल रहा हूँ। वो सेब देखो वहाँ खड़ा। अभी इसे दे दे। हमारे रथ का पहिया टूट गया है, तुम उसकी मरम्मत का बंदोबस्त कर दो। हमें जल्दी जाना है वरना शहंशाह परेशान होंगे। हुजूर कोई फिक्र न करें, जब तक रथ की मरम्मत का बंदोबस्त हो आला हजरत यहाँ आराम फरमाएं। बेटी हन्ना जाओ कुछ फल लाओ, शरबत लाओ। अच्छा बाबा। अगर आला हजरत पसंद फरमाएं तो जवाहरात देख सकती हैं। तुम कहाँ चल दिए मंशिया? जी वही रथ का बंदोबस्त करने। तुम्हारा यहाँ रहना निहायत जरूरी है, शाही मेहमान की खातिर करो। ऐसे मेहमानों से किस्मतें बनती हैं, किस्मतें। रथ के लिए मैं खुद जाता हूँ। बहुत यास्मीन ये खूब है। सरकार जरा इस आदमी को तो देखिए, शहजादा मार्क से कितना मिलता जुलता है। जरा नाम तो पूछ। जी तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया उनको हसी बनाकर मुझको जवा बनाया। मगर तुमने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है? मारे की सालिम। कौन मारेगी? वही सरापा नाज जो अपने दस्ते गुदाज से आप लोगों के लिए शरबत जानवाज तैयार कर रही है। मगर मारेगी क्यों? दिले महजूर मोहब्बत में गिरफ्तार मजबूर, वादा कर बैठा के कभी किसी हसीना को अपनी शक्ल दिखाऊंगा ही नहीं। हम भी बहुत जिद्दी हैं।
तुम्हारे दिल का ये अरमान बड़ी मुश्किल से निकलेगा। खतर बिल्ली का है, चूहा ना हर किस दिल से निकलेगा। अरे तुम आदमी हो या खरगोश? जी मैं खरगोश हूँ। नहीं ये कौन है तुम्हारे? वो बातें तो खूब करते हैं मगर सामने क्यों नहीं आते? शर्माते हैं। शर्माते हैं? लब बिक चुके हैं। शहजादी साहिबा सवारी तैयार है। तुम्हारी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कुछ जेवरात पसंद किए हैं, दो चार दिन में बुला भेजेंगे। जहर किस्मत, शौक से शौक से। चले गए वो लोग? हाँ, लेकिन तुम उनसे छुपते क्यों फिर रहे थे? कौन मैं? लो नहीं तो मैं कहाँ छुप रहा था। मैं तो वो जो ये सुनो सुनो वो जो थी ना शहजादी, नहीं शहजादी नहीं वो शहजादी की कनीज, वो घूर घूर के देख रही थी मेरी तरफ। सच? अच्छा मैं चलता हूँ। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरे खेल, किस्मत भी क्या क्या रंग दिखाती है। कहां रोम की शहजादी और कहां एक अदना यहूदी मनशा। इजाजत चाहूंगा बाबा। इतनी जल्दी? नहीं नहीं आज तो तुम रात तक नहीं जा सकते। क्यों, कोई खास बात है? अरे तुम यहूदी होकर भूल जाते हो, आज तो हमारा मुबारक दिन है, आज रात को रोटी पर नजर दी जाएगी। ओ हाँ हाँ वो तो मैं उसके लिए तो मैं रात को आ रहा हूं ना बाबा। हाँ हाँ जरूर आना। हाँ जरूर आना। गुलाम हाजिर है आला जी। हम तुम्हारे मुंतजिर थे मार्कस। हमने फैसला किया है मार्कस। इरशाद आला हजरत। अपने मन चले वलीहद के पैरों को हम जिम्मेदारियों की जंजीर से बांध देना चाहते हैं। इस चांद की आखिरी शब तुम्हारी शादी की मुकद्दस रस्म से सुबुकदोश होना चाहते हैं। कहो हमारी राय से इत्तेफाक है? चुप क्यों हो गए? मुझे आपके फैसले से इख्तिलाफ है आला हजरत। मार्कस तुम्हारी इस गुस्ताखी को हम दरगुजर करते हैं। जाओ तुम्हें सोचने के लिए वक्त दिया जाता है। मैं वक्त के साथ साथ अपने फैसले में आजादी का भी तालिब हूं आला हजरत। तुम्हारा सबसे पहला फर्ज हमारी इताअत और फरमाबरदारी। तुम जा सकते हो। بروخ التاونا بروخ العالم مصلح من نار امين بيتا میرے دینی بھائیوں اس مقدس روٹی کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے سچے خدا और यहूदी मजहब के उसूलों पर सच्चे दिल से यकीन है। इसका खाना यहूदी होने की पहचान है। कहाँ चल दिए मनशिया? जरा तबीयत ठीक नहीं महसूस हो रही। मैं बाहर। तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा जाओ जाओ। मंश
अच्छा तुम बाबा से झूठ बोलो, तुमने मुकद्दस रोटी क्यों फेंक दी? किसने कहा? ये क्या है? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें रोटी फेंकते हुए देखा। कोई यहूदी तो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मत छुओ, मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे भी झूठ बोल सकते हो। प्यार करने वाले दिल में इससे शक नहीं लाया करते हैं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। तो फिर तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि माजरा क्या है? दिमाग ख्याल का और ख्याल लफ्जों का साथ नहीं दे रहे। मैं अपनी हन्ना को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। बेटी हन्ना, घर में मेहमान आए हों, तुम इस वक्त जाओ हन्ना। रात के खामोशी में उन खंडरों के करीब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नहीं, मैं वहां नहीं आ सकती। सिद्ध न करो हन्ना, तुम्हें वहां आना होगा। नहीं, तुम्हें जो कुछ कहना है इस वक्त कहो, यही कहो। बेटी मेहमान जा रहे हैं। अगर मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत है और मोहब्बत में सच्चाई जिंदा है तो तुम वहां आओगी, जरूर आओगी। तुझको बेदली है, मुझको है दिल का गुरु। तू ये माने के न माने, लोग माने दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझ ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐ
मर जाएंगे हम ऐसे वीराने में एक दिन घुटके मर जाएंगे हम जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर ये मेरा दीवानापन है ये मेरा दीवानापन है मैं जानता था तुम जरूर आओगी मेरे करीब आओ हन्ना देखो मेरे दिल की धड़कनें तुमसे भीख मांग रही हैं सुकून की मोहब्बत की मुझे यकीन दिलाओ मंशिया मुझे मजबूर कर दो ताकि मेरा दिल तुम्हारी इन सब बातों को सच समझने लगे इधर देखो हन्ना इधर देखो मेरी आंखों में फरेब है तुम्हारा जिस्म सुलग रहा है मंशिया मेरी रूह मोहब्बत के अंगारों से दहक रही है हन्ना इसे बचा लो मैं क्या करूं मुझ पर यकीन करो मेरी मोहब्बत को शक की नजर से नहीं देखो हन्ना मंशिया शबनम की बूंदों से प्यास नहीं तुझे सच बताओ क्या तुम यहूदी नहीं हो चुप क्यों हो गए मुमकिन है मेरी एक बात से गम की आंधियां टूट पड़ें और मोहब्बत की इस चांदनी में नफरत का जहर फैल जाए हन्ना क्या ये हो सकता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो अच्छा कह दो कि तुम रोमन नहीं हो मैं एक इंसान हूँ तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार और बेबस मैं से कह दो कि तुम रोमन नहीं हो कहोगे तुम रोमन नहीं हो अगर इंसान की पहचान ऐसे ही नामों से होती है तो मैं रोमन हूं लेकिन इससे बड़ा सुन कोई नहीं इससे बड़ी सजा कोई नहीं है मुझे मत छुओ तुमने मुझे धोखा दिया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बताओ तुमने मुझे जिंदगी दी है अपनी बेलौस मोहब्बत से मेरी बेनूर जिंदगी को रोशनी से भर दिया झूठ बेरहम इंसान अपनी जहरीली आंखों से बाबा की झूठी चमक हटा दो मुझे इस तरह मत देखो मुझे अच्छा नहीं लगा मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहती मैं इसलिए कि मैं एक रोमन हूं ना मेरा मजहब ना देखो मेरी मोहब्बत देखो मेरा दिल देखो मैंने फौलाद के टुकड़े देखे पत्थर देखे जाओ मंशी जाओ ना मेरी महबूब तुम्हारी मोहब्बत मेरी रग रग में समा चुकी है मैं इस जिंदगी को तुम्हारे कदमों को खत्म कर दूंगा मैं इन वीरान वादियों में तड़प तड़प कर जान दे दूंगा जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे होठों पर तुम्हारा ही नाम रहेगा लेकिन ये वादा रहा कि अब मेरी आवाज तुम कभी नहीं सुनोगे मुझे कहीं ले चलो मुझे ये रुस्वाई और बदनामी मंजूर है मुझे ये वीराने मंजूर है लेकिन तुम्हारी मोहब्बत से दूर दम तोड़ती है जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर दूर किसी ऐसी जगह चले जहां इंसान को खुदाई का दावा ना हो जहां इस फरेबी दुनिया के चांद सितारों की रोशनी भी हम तक न पहुंच सके आप तक कहां जाते हो
निकल चलने की ये हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी बद्दुआ जो दिल से निकलेगी। बाबा एहसान फरामोश रोमन, क्या तू इसीलिए मेरे घर में मेहमान बनकर आया था कि मेरे घर के चिराग को अपने नापाक दामन में छुपा कर चुरा ले जाए? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा, बाबा ये बेकसूर है। हट जाओ हन्ना, मोहब्बत पर जुल्म करने वालों को दिल खोल कर खेलने दो। बुजदिल रोमन, क्या तुम्हारे बाजों की कुव्वत खत्म हो गई जो धोखे और मक्कारी पर उतर आए हो? बताओ। दिल है आपके सीने में, एक इंसान की रूह है इस जिस्म में जो मेरी बात सुनकर समझ सके। चालाक रोमन, मैं तुम्हारी कौम के हथकंडों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। कतई ना वाकिफ हैं आप, आपके दिलो दिमाग पर एक झूठा मुलम्मा चढ़ा हुआ है। मजहब और एक ओछी इंसानियत के नाम पर सच्ची मोहब्बत का गला घोटना चाहते हैं। मैं गुनाह को उसकी जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी लाश को रोम का चौराहे पर रख दूंगा ताकि तुम जैसे मक्कार रोमन उसे देखकर इबरत हासिल कर सके। बाबा नहीं, बाबा कसूर इनका नहीं, मेरा है। मैंने इनसे मोहब्बत की है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। खामोश नादान लड़की, तू नहीं समझती तू क्या कह रही है। मैं ठीक कह रही हूँ बाबा, मेरी मोहब्बत, मेरी उम्मीदें, मेरे ख्वाब मुझे भीख समझ कर दे दो बाबा। नहीं, हरगिज नहीं, हट जा मेरे सावर से वरना तुझे भी। खुशी से बाबा, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मैं तुम्हारे कदमों पर सर रख कर अपनी जान दे दूँ। अफसोस, एक खुद्दार यहूदी की लड़की एक रोमन के फरेब में, जिसे पाला था खून दिल से जारो नातवां होकर, खबर क्या थी वही देगी दगा ए दिन जवां होकर। नौजवान, ये लड़की मेरी तारीख जिंदगी का चिराग है, इससे घड़ी की जुदाई भी मेरे लिए मौत का पैगाम है। अगर तू इससे मोहब्बत करता है तो तुझे इससे शादी करनी होगी। ये मेरी खुशनसीबी होगी। यकीनन खुशनसीबी होगी, लेकिन शादी से पहले तमाम रस्म पूरी करनी होंगी। दोजानू हो जा, दोजानू हो जाओ, तुम्हें यहूदी मजहब कबूल करना होगा। नापाक रोमन से हन्ना की शादी नहीं की जाएगी। मैं इस तरह अपनी मोहब्बत को जलील नहीं होने दूंगा। सुन लिया हन्ना, दगा और फरेब के जिस नापाक पुतले पर तो अपनी जान दे रही थी, उसे पाक होने से इनकार है। मुझे इनकार है इस नापाक तिजारत से, मोहब्बत के इस झूठे इम्तिहान से जो मजहब की कसौटी पे लिया जा रहा है। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से फरेबी रोमन, अगर तू जिंदगी चाहता है तो आइंदा मेरे घर की दहलीज पर अपने मनुष्य कदम रखने की कोशिश न करना। मोहब्बत के इस धारे को आप नहीं रोक सकते मेरे अनजान बुजुर्ग, ये मजहब की खोखली दीवारों को तोड़ कर निकल जाएगा। आओ हन्ना, अपनी मोहब्बत की जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे। हन्ना, ये धोखा है। आओ मेरे साथ हन्ना। बेटी, ये जहरीला नाग अपनी फरेबी आंखों से मासूम परिंदों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। बेटी, बाबा, बाबा, बाबा। शराब की मौजे में गम तो न डूब सका मार्कस, क्या खुद को डुबोने का इरादा है? क्या ये शराब तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देगी जिसके लिए तुम एक अरसे से तड़प रहे हो, जिसके लिए तुमने अपनी हालत बना रखी है? ठीक कहती हो ऑक्टेविया, मंजिल भी है और
मैं उस तक पहुंचना भी चाहता हूं, मगर ये मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम्हारी मंजिल ऑक्टेविया नहीं, कोई और है। फिर तुम यहां क्यों? किसने रोका है तुम्हें? रोम ने और तुमने ऑक्टेविया। मार्कस, मेरे हाथों से तुम अपना दामन छुड़ा सकते हो, लेकिन रोम, रोम कभी तुम्हारा दामन नहीं छोड़ेगा। ये ऐसी मल्लान लो, इसकी इज्जत, इसकी आबरू, इसका मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में। तुम रोम के होने वाले शहंशाह। ये शहंशाह ही मेरे अरमानों का मातम है, उठी गया है, लेकिन फिर भी तुम्हें शहंशाह बनना होगा। अपने अरमानों के खून से अपने खानदानी फर्ज को सुरखुरु करना होगा। मार्कस, तुम रोम और रोम वालों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। रोम को होने वाले शहंशाह की जरूरत है, और वो तुम। और होने वाली मलिका की भी जरूरत है, और वो तुम हो। बेशक, ये मेरे वतन की आरजू है, और मैं रोम की आरजू को ठुकरा नहीं सकती। रोम, रोम, रोम। काश मेरी तमन्नाओं को रास्ता मिल जाता, न ये रोम होता, न ये आलीशान महल, और न ही बादशाहत का ये खौफनाक बंदा जिसकी गिरफ्त से मेरा दम घुट रहा है। बस इस कैद और इन खोखली बंदिशों से दूर किसी पहाड़ी की एक वादी में किसी चश्मे के किनारे एक झोपड़ा होता, और मैं और वो जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मार्कस, काबो ख्याल की वीरानों में ठोकरें न खाओ। हकीकत का पहाड़ तुम्हारे सामने, तुम्हें मुझे अपनी मलिका बनाना होगा, सिर्फ मलिका, जाने तमन्ना नहीं। ये मैं अच्छी तरह जानती हूं मार्कस, तुम मेरे कभी नहीं हो सकते, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन फिर भी हमें अपने होठों पर छोटी मुस्कुराहट लानी होगी, हमें यह जाहिर करना होगा कि हमारे दिल एक दूसरे की मोहब्बत से भरे हुए, अपने लिए नहीं मार्कस, अपने वतन के लिए, अपने फर्ज के लिए। जबान पर खामोशी की मोहर तो लग सकती है ऑक्टेविया, लेकिन दिल की धड़कने तो नहीं छुप सकती। इस आग के शोले तो दब सकते हैं, लेकिन इसका धुआं तो नहीं छुप सकता। मार्कस, तुम शहजादे हो, तुम्हारे पांव में फर्ज की बेड़ियां पड़ी हुई हैं जिन्हें तुम कभी नहीं तोड़ सकते। तुम कैदी हो, और तुम्हें यह कैद काटनी होगी, चाहे हंस के काट या रो के। चेहरे मिट जाते हैं, लेकिन हसीन काम हमेशा जिंदा रहते हैं। मार्कस, हमारी शानदार तारीख को दागदार ना बना, एक यहूदन हमारी इज्जतों की कीमत नहीं। मार्कस, मोहब्बत ने हमारे दिल पर भी तीर चलाए थे, लेकिन हमने उस खूबसूरत बला को जहर दे दिया जो हमें अपना फर्ज भुला देना चाहती थी। मार्कस, अपना फर्ज मत भूल। रोम की बेदार तारीख को दागदार ना बना, हमारे खून को बदनाम न कर, अपनी खानदानी इज्जत को बर्बाद न कर, हमारी रूहों को शर्मिंदा न कर। मार्कस, 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 मार्कस।
कौम की बेशुमार रियायत तुम्हारा फैसला सुनने के लिए बेचैन है। लेकिन आला हजरत, हम इनकार सुनने नहीं आए हैं मारकर। रोम के लाखों इंसानों की तमन्नाएं तुम्हारी एक बचपन की रिथ पर कुर्बान नहीं की जा सकती। हम ऐलान किए देते हैं कि शहजादे मार्कस की शादी शहजादी ऑक्टेविया के साथ कल दारुसल्तनत में धूमधाम से मनाई जाएगी। इन बूढ़ी हड्डियों में आज भी जुल्म सितम सहने की ताकत बाकी है, मगर तेरी आंखों में मैं आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। बाबा। बेटा। मेरी गुड़िया का रंगीन चेहरा आंसुओं से ढलकर फीका हुआ जा रहा है, अब तो न रो बेटी। बहुत कोशिश की आंसुओं को रोकने की बाबा। इस खता का सजावार मैं हूं, मैंने तुझ पर यह जुल्म किया है। कल की खुशनुमा हवा
आज का तूफान बन चुकी थी बेटा, फिर मैं बागबान होकर एक मासूम कली को कैसे उसके हवाले कर देता। खून के आंसू बहाने से भी पत्थर नरम नहीं होते, फिर क्यों तो संगल रोमन की याद में आंसू बहा रही है। अपने आंसू पोंछ डाल बेटा। इन्हें बहने तो बाबा, शायद इसी से दिल कुछ हल्का हो जाए। लेकिन इन आंसुओं से भीग कर मेरा दिल तो भारी हुआ जा रहा है, ये भी तूने सोचा है। बेटा, मैं इस दुनिया में चंद रोज का मेहमान हूं, अगर तू अपने बूढ़े बाप को कुछ दिनों के लिए और जिंदा देखना चाहती है तो इस गम की चादर को उतार कर फेंक दे। मुसीबतों का मुकाबला हिम्मत से किया जाता है, आंसुओं से नहीं। हिम्मत कहां से लाऊं बाबा, आंसू तो आप ही आप आते हैं। रोना तो हमें भी आता है बेटा, मगर हम मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे खुदा तू जिस हाल में रखेगा खुश रहेंगे, तेरी खुशी में खुश तेरा खिदमत गुजार है, बंदा हूं तेरा तो मेरा परवरदिगार है। हाँ खूब याद आया, मैं अभी अभी शाही महल से आ रहा हूं, वहां शहजादा मार्कस और शहजादी ऑक्टेविया की शादी बड़ी धूमधाम से होने वाली है, हमें भी बुलावा आया है, तू भी चलेगी ना बेटा। नहीं बाबा, खुशी के मौके पर बदनसीबों को नहीं ले जाते, बस शुगुनी होती। ऐसा नहीं कहा करते हैं बेटी, चल अंदर चल।
مقدس رسمیں شروع فرمائی دی. میرے قریب آ بچوں, جب تک جہاں ہے رونق بزم جہاں رہو, دنیا میں با مراد رہو, شاد ماں رہو. مجھ پر ظلم ہوا ہے, میں انصاف چاہتی ہوں شہنشاہ. کون ہے یہ پاگل لڑکی؟ باہر نکال دو اس منحوس کو. نہیں اعلی حضرت نہیں, اگر رومن قانون امیر و غریب کے لیے ایک ہے تو میری فریاد سنی جائے. رومن عدالت نے آج تک کسی فریادی کو نا امید نہیں کیا لڑکی, لیکن اس مبارک موقع پر دخل انداز ہو کر انصاف کی فریاد کرنے کا کیا مقصد؟ اعلی حضرت, اس مبارک موقع کے گزر جانے کے بعد مجھ بد نصیب کے لیے نہ تو انصاف کی گنجائش رہے گی اور نہ کوئی ضرورت. انصاف؟ نادان لڑکی, ظلم کے کارخانے سے انصاف کی امید؟ زہریلے سانپ زہر کے سوا کچھ نہیں اگلا کرتے. چل بیٹی گھر چلے, انصاف مل چکا, رومن قانون شروع ہو چکا. خاموش بد زبان یہودی, ایسے مبارک دن ہمارے خیر و غضب کو نہ للکار. انصاف مانگنا ہے تو اس بارگاہ شہنشاہی میں ادب سے کام لے. یہودن, تیری فریاد بے موقع اور بے محل ہے, مگر ہم سنیں گے. انصاف ہوگا اور اسی وقت ہوگا. لیکن اعلی حضرت, یہ ہمارا حکم ہے. بول, کیا ہے تیری فریاد؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ رومن قانون کی نظر میں اس شخص کی کیا وقت ہے جو ایک لڑکی کو محبت کے جھوٹے خواب دکھا کر اس سے آنکھیں پھیر لے؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ رومن قانون کی نظر میں اس شخص کی کیا حیثیت ہے جو ایک لڑکی سے شادی کا وعدہ کر کے اسے رسوائی اور بدنامی کے غار میں دھکیل دے اور خود دوسری لڑکی سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے؟ رومن قانون کی نظر میں ایسا شخص یقیناً مجرم ہے اور انصاف کی نظر میں سزا کا مستحق. یہودن, ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کون فریبی ہے جس نے تجھ پر یہ ظلم کیا. ولی عہد سلطنت, جسے دنیا شہزادہ مارکس کہتی ہے. بے ننگ و نام شریر لڑکی, تو اور خاندان شاہی. اعلی حضرت, اس کے چہرے اور ہونٹوں سے جھوٹ ٹپک رہا ہے. بے شک, اور تمہارے ان مذہبی ہونٹوں سے شرافت اور صداقت کی بارش ہو رہی ہے. ایک مذہبی پیشوا ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ فرض نہیں ہے کہ شاہی رائے اور انصاف کو فریادی کے خلاف بنائے. افسوس, آج شاہ عادل کا انصاف بھی مظلوموں کا سرپرست ہونے کے بدلے ظالموں کا طرفدار ہو گیا. یہودی, ہمارا نظام اور ہماری حکومت کسی بدمست کی جاگیر نہیں جو ہوا کے ایک جھونکے سے اپنی طبیعت کا رخ بدل دے. مطمئن رہو, ہم اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. مارکس, کیا یہودن کے لگائے ہوئے الزامات صحیح ہیں؟ جی ہاں, حرف بحرف. یک بیک یہ خاموشی کیسے چھا گئی؟ کیا انصاف کا طوفان ٹھنڈا ہو گیا؟ رومن عدالت کے دروازے بند ہو گئے؟ عادل سلطان, کیا بیٹے کی محبت اور فرض میں جنگ ہو رہی ہے؟ اعلی حضرت, ایک معمولی یہودن کی فریاد کو شاہی خاندان کی عزت کے ترازو پر نہیں تولا جا سکتا. قانون ریت کے لیے ہے, بادشاہوں اور شہزادوں کے لیے نہیں. ڈوب مرو اس انصاف پر, آنسو بہاؤ اس قانون پر جو کمزوروں کے لیے تلوار کی دھار اور زبردست کے لیے باغ بہار ہے, جو اپنے لیے نغمہ ساز اور ہمارے لیے موت کی آواز ہے. یہودی, تمہارے ہی لیے پیدا ہوئے دنیا کے نظارے چمکتے ہیں تمہاری روشنی سے چاند و تارے. تمہارا غم ہے غم
औरों का गम खा वो कहानी है, तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। इंसाफ का तकाजा है कि शादी की यह रस्म रोक दी जाए, शहजादे मार्कस को हिरासत में ले लिया जाए और मैं इन यहूदियों के हमारी अदालत में पेश किया जाए। इस मुकदमे का फैसला हम खुद करेंगे, लेकिन रोमन कानून के मुताबिक शाही खानदान के मुकदमे मजहबी अदालत में फैसल होते आए हैं और उसी कानून की रूह से ये मुकदमा भी हमारी अदालत में पेश होना चाहिए आला हज़रत। ऐसा ही होगा मुक्तदा आज़म, हम कानून की तौहीन नहीं चाहते, लेकिन ये मद्देनजर रहे कि इंसाफ की नजर में बुलंद और पस्त छोटे बड़े सब बराबर हैं। वली अहद सल्तनत होने की हैसियत से शहजादे मार्कस के साथ कोई रियायत न बरती जाए। जो इस वक्त दिल में है अगर मिल जाए तो कितना अच्छा हो। क्या है दिल में? एक छोटी सी गुड़िया चांद जैसी। तुम्हारी मोहब्बत मेरी रग रग में समा चुकी है, मैं इस जिंदगी को तुम्हारे कदमों को खत्म कर दूंगा, जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे होठों पर तुम्हारा ही नाम रहेगा। अन्ना शहजादी आप? हाँ मैं रहम की भीख मांगने आई हूँ। मेरी मजबूरी का मजाक क्यों उड़ाती हो? एक गरीब यहूदन रोम की शहजादी को क्या दे सकती है? आज तेरे हाथों में सब कुछ है ना, मार्कस के मुस्तकबिल का फैसला तेरे एक इशारे का मुंतजर है, तो आप अपनी मोहब्बत को कामयाब बनाने के लिए किसी बेकस का सहारा लेने आई हैं। मुझे अपना मुखालिफ ना समझना, मैं भी एक औरत हूँ, तेरे दिल के दर्द को जानती हूँ, मगर अपना गरीबान भूलकर तुम मेरा दामन सीने क्यों आई हो? मोहब्बत ही मोहब्बत की तड़प को पहचानती है अन्ना, मैं भी मोहब्बत की ठुकराई हुई हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, तेरी मोहब्बत कामयाब है और मेरी नाकाम। हसीन लफ्जों से दिल नहीं बहलता शहजादी, अगर तुम्हारे सीने में औरत का दिल होता तो आज मजबूर मोहब्बत का मजार हसरत के आंसुओं से गीला ना होता। तुमने मोहब्बत की असमत लूटी है, तुमने मेरे दिल पर ढाका डाला है। चले जाओ यहाँ से अन्ना, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल से छोड़ दो। मैं जा रही हूँ, लेकिन इतना सुन ले, कल तेरी ही फरियाद पर तेरा महबूब सजाए मौत का शिकार होगा। सजाए मौत? शहजादा मार्कस, हम इस वक्त इंसाफ के मसनद पर हैं, हमारा फर्ज है कि एक बार फिर ये बात तुम्हारे जहन नशी करा दें कि तुम्हारे इकरार इनकार पर न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बल्कि रोम की हुकूमत उसके मुस्तकबिल का दारोमदार है। इस इंसाफ की अदालत में हम तुम्हें एक और मौका देते हैं, हम तुमसे एक बार फिर पूछते हैं कि यहूदी उसकी बेटी के लगाए हुए इल्जामात क्या दुरुस्त हैं?
मैं बार बार अपना बयान दोहराकर अदालत का वक्त जाया नहीं करना चाहता। यहूदी और उसकी बेटी के लगाए हुए इल्जाम दुरुस्त हैं। नहीं आला हजरत, मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। खौफनाक नागिन, अभी कुछ और जहर उगलना चाहती है? आला हजरत, शहजादा बेकसूर है। हन्ना, मैं शहजादे पे लगाए हुए इल्जाम वापस लेती हूँ। मुजरिम को पहचानने में मुझसे गलती हुई। यही शक्ल, यही सूरत, यही लिबास, सब कुछ यही, मगर वो ये नहीं थे। शहजादे ने मुझे रुसवा नहीं किया। आला हजरत, ये झूठ बोल रही है। ये मुझ पर रहम खाकर रोम के तख्त को अपने एहसान के बोझ से दबाना चाहती है। खामोश मार्कस। हाँ, तो असली मुजरिम का हुलिया शहजादे मार्कस से मिलता जुलता था। जी आला हजरत। और इसीलिए तूने अपनी औकात को भूल कर रोम के वलीहदे सल्तनत को मुजरिम करार दे दिया। जी आला हजरत। और कल शादी की महफिल में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाला यहूदी आज खामोश क्यों है? न छेड़ अब मुझको, रहने दे यही तक दास्तां मेरी। कहूंगा सच तो जल जाएगा दिल तेरा, जबां मेरी। कसम खाता हूं मैं अपनी मजबूर हसरतों की कि इस सीने से बाहर आने के लिए इतनी चिंगारियां तड़प रही हैं जो सारे रोम को जलाकर सिया और खाक कर देने के लिए काफी है। लेकिन नहीं, मैं इसका दिल नहीं तोड़ सकता। आज मेरे ही कलेजे ने मेरी जबान को चकर लिया है। तकदीर का हर फैसला मुझे मंजूर है, यहां तक कि तेरी झूठी अदालत का भी हुक्म मानने के लिए मैं तैयार हूं। हमारी अदालत का हुक्म माना नहीं, मनवाया जाता है हजरा। शहजादा मार्कस को बाइज्जत व आबरू रिहा किया जाता है। और हन्ना, तूने अपनी हैसियत को भूलकर रोम के होने वाले शहजादे पर झूठा इल्जाम लगाया, इन्हें सारे महफिल दलील और रुस्वा किया, और तेरे बाप अजरा यहूदी ने तेरे जुर्म में तेरा साथ दिया। लिहाजा तुम दोनों को शाही खानदान की इज्जत और आबरू का दुश्मन करार देते हुए तेल के खौलते हुए कड़ाव में डाल दिए जाने का हुक्म दिया जाता है। ये आपने क्या किया आला हजरत? वो बेगुनाह है, उसने अपने दिल और अंधी मोहब्बत से मजबूर होकर अदालत को धोखा दिया है। मुकदमे शहादत तो सबूत तो फैसल होते हैं, न कि तकरीर और जज्बात का। मगर किसी बेगुनाह को जिंदा जला देना कहां का इंसाफ है? मैं आपसे इल्तिजा करता हूं आला हजरत, रोमन इंसाफ के मुकद्दस दामन को एक मासूम के खून से दावतार न होने दें। अपने फैसले पर फिर से गौर करें। कानून की उठी हुई तलवार किसी के इल्तिजाओं पर गौर नहीं करती। ये हमारा आखिरी फैसला है शहजादे, यहूदियों को इनके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। तो क्या तुम्हारे कानून ने मजहबी जामा पहन रखा है? क्या तुम्हारा इंसाफ नफरत और इकारत की बुनियाद पर खड़ा है? मार्कस, तुम्हारे अल्फाज से बगावत की बू आ रही है। तुम शायद भूल गए कि किससे बातें कर रहे हो। तुम जोश में आकर अपने होश और आवाज भी खो बैठे हो। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना हर इंसान का फर्ज है। तुम बेकसों की आवाज को नहीं दबा सकते। ये एक जलजले और तूफान की तरह दुनिया के कोने कोने से उठेगी, और जुल्म और तासुब की नेव पर खड़े हुए तुम्हारे इन शाही महल्लात की ईंट से ईंट पर आवाज मारकर तुम्हारी बदलगाम जबान हमारी शान और हमारी अजमत को ललकार रही। मैं इस जबान से ऐलान कर रहा हूं उस इंकलाब का जो लाखों इंसानों के साथ साथ मेरे सीने में भी करवटें ले रहा है। उस इंकलाब से बचो ब्रूटस, वरना वो तुम्हारे इस नापाक जिस्म को मजलूमों की ठोकरों के हवाले कर देगा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो बागी को। बगावत के जुर्म में तुम्हें सिर्फ इतनी सजा दी जाती है कि कल तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी महबूबा को तेल के खौलते कड़ाह में डाल दिया जाए, ताकि तुम्हारी हिम्मत पस्त हो जाए, तुम्हारी दुनिया में भी इंकलाब आ जाए। माफ कर दो ताकि उसे रोमन कानून से बगावत का मौका मिले। ये तौहीन आला हजरत ब्रूटस की नहीं, आपकी भी रोमन सल्तनत की तौहीन है। मार्कस ने जो कुछ भी किया ये उनकी नादानी थी आला हजरत। जज्बात ने चंद लम्हों के लिए उन्हें पागल बना दिया था। तो उसे इस पागलपन की सजा मिलना ही चाहिए।
ताकि आइंदा वो ऐसी हरकतों से बाज रहे। फिर भी आला हजरत, मार्कस रोम के वली अहद सल्तनत है, क्या कानून उनकी इस खता को नजरअंदाज नहीं कर सकता? ये सल्तनत रोम की है, कानून रोमन रियाया का है, और आला हजरत ब्रूटस रोमन अदलो इंसाफ के रहनुमा, हम उनके फैसले में मदाखलत करना पसंद नहीं करते। आला हजरत, हम मजबूर हैं आपके लिए। सब्र से काम लो मेरे शहजादे। मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी रोम के हुक्मरानों की चौखट पर दम तोड़ रही है, और मैं सब्र से काम लूं? नहीं एंटोनियो, ये नहीं होगा मुझसे। तुम नहीं जानते कि मैं जानता हूं मार्कस, मैं सब जानता हूं, लेकिन इस वक्त मसलहत यह है कि तुम रोम के कानून और इंसाफ के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दो। तुम जुल्म और संगदिली को इंसाफ कहते हो? बेबस और मासूम इंसानों की गर्दनों में पड़ी हुई जंजीरों को कानून कहते हो? मैं ऐसे कानून और इंसाफ के खिलाफ बगावत करना अपना फर्ज समझता हूं। जालिम ब्रूटस के खिलाफ मैं सारे रोम को खड़ा कर दूंगा। मैं उसके मनहूस मुंह पर से अदल इंसाफ का झूठा चेहरा नोच के फेंक दूंगा, ताकि दुनिया उसकी असली और भयानक शक्ल देख सके। यकीनन मार्कस, यकीनन तुम ऐसा कर सकते हो, मगर यह ना भूलो कि तुम्हारे चारों तरफ रोम के सिपाहियों का पहरा है। तुम कैद में हो शहजादे, तुम कैद में हो। हाँ, तुम ठीक कहते हो एंटोनियो, मेरे चारों तरफ रोमन इंसाफ के पहरेदारों की तलवारें हैं। मैं मजबूर कर दिया गया हूं ताकि मेरी मासूम हन्ना पर बर्बादी के बादल जी खोल कर बरसे, और मैं कुछ न कर सकूं। उसकी सहमी हुई चीखे फैशी दरिंदों के कहकहों में गुम हो जाए, और मैं कुछ न कर सकूं। मैं नहीं जानता था एंटोनियो, मैं नहीं जानता था कि मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म है, और उसकी इतनी बड़ी सजा है। एंटोनियो, सुबह होने में भी थोड़ी देर है। एंटोनियो, मैं तुमसे एक मदद चाहता हूं। एंटोनियो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है मार्कस, मगर जरा सोचो, एक रोमन शहजादा एक अपना मामूली यहूदन के पीछे अपनी जबान को लगाऊंगा। एंटोनियो, मैं तुम्हारे मुंह से अपनी मोहब्बत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तुम्हारी अनजान नजर मेरी मोहब्बत को नहीं पहचान सकती। तुम मेरे टूटे हुए दिल की पुकार को न सुन सकते हो, न समझ सकते हो एंटोनियो। शहजादे, एंटोनियो मैं पागल हो जाऊंगा। एंटोनियो, मैं अन्ना को मौत के आगोश में नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता। एंटोनियो, तुम्हारे किस काम आ सकता है? हुक्म दो। मैं हुक्म देने के काबिल ही नहीं रहा एंटोनियो। तुमसे एक इल्तिजा करता हूं मेरे दोस्त, मुझे थोड़ा सा जहर ला दो। जहर? हाँ एंटोनियो, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मार्कस, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। मुझसे मेरी जान मांग लो, मगर कोई ऐसी चीज ना मांगो जो मैं नहीं दे सकता। बेवफा दोस्त, जाओ, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा एहसान उठाए बगैर इस सांप को ठंडा कर दूंगा। याद रखो, एंटोनियो, जान देने वालों को हर तरह जान देनी आती। मार्कस, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मार्कस, मार्कस, शहजादे, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, मार्कस, मार्कस, दरवाजा खोलो।
मार्कस, मार्कस, तुम्हें जो तेरे खत्म दरवाजा खोल दो। मार्कस, शेरजादे दरवाजा खोलो। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो मार्कस, मार्कस दरवाजा खोलो। मार्कस खोल दो। मैं इस दरवाजे को तोड़ डालूँगा मार्कस। मार्कस, मार्कस मेरे दोस्त, तुम्हें दोस्ती की कसम दरवाजा खोल दो, तुम्हें अपनी मोहब्बत की कसम दरवाजा खोल दो, तुम्हें हन्ना की कसम मार्कस, हन्ना की कसम मार्कस खोल दो, दरवाजे को तोड़ डालूंगा मार्कस, मार्कस खोल। मार्कस तुम्हारी आंखें, मैंने हन्ना को अपनी आंखों के महफूज पर्दों में हमेशा के लिए छुपा लिया है एंटोनियो, अब उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मार्कस, एंटोनियो, एंटोनियो, इंसानी जिस्म में ढले हुए ये पत्थर के इंसान, अब इनके जुल्म सितम देखने पर मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता एंटोनियो। ये अंधे मुझे अंधा कहेंगे ना, कहने दो। नहीं मार्कस, नहीं, अब मैं नहीं सुन सकता। एंटोनियो, एंटोनियो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। एंटोनियो, बस एक मार्कस, बस एक बार मुझे हन्ना के पास ले चलो एंटोनियो, सिर्फ एक बार मैं उसकी आवाज सुनना चाहता। इस दुश्वार जिंदगी को काटने के लिए मुझे इतना ही सहारा बहुत मिल जो। यहूदियों, कढ़ाव में खौलता हुआ तेल तुम्हें अपने आगोश में लेने के लिए मचल रहा है। आवाज दो अपने खुदा को, जब आके तुम्हें इस तेल में पिघलने से बचाए। ब्रूटस, मैं मौत से नहीं डरता, बुढ़ापे से ढलती हुई शाम के चंद लम्हे बाकी है, लेकिन इस मासूम की तरफ देख जिसने जिंदगी की 20 बहारें भी नहीं देखी। मैं तुम दोनों को एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, तुम दोनों रोमन मजहब कबूल कर लो। कुफर से डर कर गुलिस्तान नहीं बेचूंगा, जान दे दूंगा पर ईमान नहीं बेचूंगा। ब्रूटस, तेरे जुल्म की दहती हुई भट्टी में हमारी हड्डियां गल सकती हैं, मगर हमारे ईमान का फौलाद नहीं बिगड़ सकता। सिपाहियों, मुंह क्या देख रहे हो, फेंक दो इन दोनों को कढ़ाव में। आला हजरत, कसूर मेरा है, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बाबा को छोड़ दीजिए, मैं अपने सामने अपने बाबा को मरते नहीं देख सकती। आला हन्ना, चल। ठहरो, हम इस लड़की पर रहम करना चाहते हैं, पहले लड़की को जलाओ ताकि मनहूस बूढ़े को जलते न देख सके। नहीं नहीं ब्रूटस, मैं अपनी बेटी को तड़प तड़प कर मरते नहीं देख सकता। इस खौफनाक नजारे को दिखाने से पहले मुझे मार डाल जालिम, लेकिन इस पर रहम कर। ले जाओ। नहीं ब्रूटस, रहम, खुदा के लिए रहम। रहम? है ये वो लफ्ज जो शर्मिंदा मानी न हुआ। बेदर्द रोमन, खुदा के कहर से तो डर, क्या तुझे औलाद का गम नहीं मालूम? क्या तू भूल गया कि तेरी भी एक बेटी थी जिसे कोई तेरी गोद से उठाकर ले गया था? तुझे कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम? मुझे यह भी मालूम है कि लीडिया मरी नहीं, आज भी जिंदा है। लीडिया, मेरी बच्ची जिंदा है? नहीं नहीं, तू मुझसे इंतकाम ले रहा है, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर झूठ ही समझ ले। चल बेटी, चल। क्या तू जानता है मेरी बच्ची कहां है? जरूर जानता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं। नहीं बताएगा? मैं तुझे वो सजा दूंगा, तुझ पर वो जुर्म तोड़ूंगा जिससे जमीन का कलेजा कांप उठे
फिर वो भी करके देख ले, देर ही क्या है। नहीं नहीं अजरा, खुदा के लिए बता दे अजरा। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं 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 अजरा, ये सर जो कभी बादशाह रोम के सामने भी नहीं झुका, आज मैं तेरे सामने झुकाता हूं। रहम कर अजरा, रहम कर, रहम कर। रहम? आज पहला दिन है जब ये लफ्ज तुम्हारी जबान से निकला। अब मालूम हुआ होगा कि रहम की जरूरत था मजलूम यहूदियों को ही नहीं, जालिम रोमनों को भी हुआ करती है। लेकिन एक मुफलिस और कंगाल यहूदी के पास रहम कहां से आया? जा अपने बेदर्द कानून से मांग, अपने जालिम कौम से तरफ कर, जिसको दोहराओ सबक ही ऐसा सिखलाया नहीं। क्यों खाओ रहम जब तूने रहम खाया नहीं? अजरा अजरा, मेरी हालत पे रहम खा, बता दे खुदा के लिए मेरी लीठियां कहां है। मुझे तेरी ज़ईफ़ी पर तरस आता है, मैं बता सकता हूं मगर एक शर्त पर। मंजूर है, मुझे बख्श नहीं मंजूर। पहले मेरी शर्त सुन ले, जब मैं तुझे ये राज बता दूं तो मेरे हाथ का इशारा पाते ही हंजा को तेल के कड़ाह में फेंक दिया जाए। मंजूर है, चिपाही ले जाओ लड़की को और अजा के शायर का इंतजार करो, जाओ ले जाओ। अब बता दे, बता दे। अच्छा तो सुन, आज 15 बरस हुए कि तूने मेरे बेकसूर बेटे इलिया को शेरों के हवाले कर दिया था। इस तेरे जुल्म को देखकर मेरे मुलाजिम मैन्यूल ने इंतकाम की कसम खाई और उसी इंतकाम की आग को बुझाने के लिए वो तेरी बेटी लीडिया को चुरा कर ले आया। लेकिन मेरे मजहब और ईमान ने मुझे ये इजाजत न दी कि बाप के गुनाहों की सजा बेकसूर बेटी को दी जाए। रहम दिल में जाग उठा, भूला हर एक बेदात को, अपने बच्चे की तरह पाला तेरी औलाद को। तूने पाला, तूने रहम किया। हाँ, एक यहूदी ने जो तुम्हारी नजरों में पैदाइशी गुनाहगार है। लेकिन वह है कहां? कहां है? उधर देख। लीजिया, मेरी बच्ची। उधर कहां चला? सिपाहियों, फेंक दो इसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या इसलिए कि अब ये मेरी नहीं तेरी बेटी है? जब तक ये मेरी बेटी थी तो इसे जिंदा जलाने पर आमादा था, और जब मालूम हो गया कि ये तेरी बेटी है तो इसे गले लगाने के लिए मचल रहा है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा, तुझे अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। जल्ला दो, फेंक दो इसे। छोड़कर मत जाओ बाबा, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे अन्ना का इस दुनिया में और कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं। मत रो, मत रो बेटी। बेटी, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। आ आ जाने पेदर, एक बार अपने बाप के सीधे से लग जा। तुम्हारी आवाज में जहर है, तुम्हारी सांसों से इंसानी लाशों की बदबू आ रही है। बेटी बेटी, मैं यकीनन गुनाहगार हूं, लेकिन मेरे सीने में भी एक बाप का दिल है। एक बार, सिर्फ एक बार इन मासूम होठों से मुझे बाबा कहकर पुकार ले लीडिया। लीडिया मर चुकी है, मैं हन्ना हूं। बेटी, लीडिया, लीडिया वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तुम्हारे गुनाह वापस आएंगे, उनकी सजा तुम्हें मिलेगी, लेकिन मैं इस नफरत और गैरतगरी की दुनिया से हमेशा हमेशा। बेटी, लीडिया, लीडिया। दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों
का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, इस बेजान लाश पर रहम खाओ शहजादे, और इसे तनहा छोड़ दो ताकि ये अपने लिए जमीन में कोई कोना ढूंढ ले और उसमें समा जाए। नहीं अन्ना, नहीं। देखो मैं हाथ जोड़कर अपनी शिकस्त का एतराफ करती हूँ। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे जुल्म कामयाब रहे, मैं मानती हूँ कि मेरे अरमानों ने दम तोड़ दिया, मेरे ख्वाब जल कर राख हो गए, लेकिन एक बेकस पर अपनी सारी ताकत ना आजमाओ शहजादे, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मजबूरियों ने मेरी मोहब्बत को कत्ल कर दिया, अपने बेरहम हाथों से दिल के रोशन चराग बुझा दिए। अन्ना, ये भयानक अंधेरा, ये लंबा सफर, इसमें मेरा कोई रहबर नहीं, मुझे इस दुश्वार रास्ते की ठोकर से बचा दे। तुम्हारी आंखें, ये तुमने क्या कर लिया? अपने गुनाहों की सजा पाई, तुम्हारे मासूम मासूम की कीमत अदा की, फिर भी सुकून नहीं मिला। मंशा, मुझे माफ कर दो मंशा, मुझे अपनी मोहब्बत के साए में वापस ले लो, मुझे अपनी बाहों में समेट लो। वीरानों में चिराग रोशन हो गए। हन्ना, मैं देख रहा हूं दूर उफक पर नई सुबह के नूर की पहली किरण। आओ मंशा, बढ़कर इन मुबारक किरणों को छू ले, इस हसीन सवेरे को अपनी मोहब्बत का गवाह बना ले। आओ। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है